मेरा मतलब सोनी लिव के बंदो, वो मेरा नया नया प्रमोशन हुआ है ना अभी, तो आदत नहीं हुई है भैया, लग रही है मेरी तो कमर ही चली गई आज। आजकल के बच्चों का मूड ठीक रखना तो इतना ही मुश्किल हो गया है जितना बिना से न्यूज चैनल देखना। थैला भर के शॉपिंग की है ये कम्बख्त अफरीदी को बेड से निकालने के लिए। ये लाई हूँ, ये मैदा के नूडल, ये ब्लूटूथ वाले ईयरफोन, और ये लाई हूँ ये तीसरे रबड़ की चप्पल। इनमें से किसी ना किसी एक से तो वो बिस्तर से निकल ही आएगा। ऐसे इन बेचारों की गलती नहीं है, ये साल है ही मनुष्य, ये साल बेचारे बच्चों के लिए उतना ही खराब है जितना अशोक डिंडा के लिए हर साल होता है। जनवरी में शुरुआत हुई इनकी ट्रिपल पिटाई से, सुबह कॉलेज में गुंडों से पीटी, शाम को पीरियड्स में पुलिस से, और रात को मुझसे घर लेट वापस आने के लिए। उसके बाद आया फरवरी, लगा वैलेंटाइन डे का महीना है, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, इस बार तो जाकिर भाई की कोई वीडियो भी नहीं आ रही है तो सख्त बनने का भी कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जैसे ही कॉर्नर सीट बुक करके बच्ची फिल्म देखने गए तो सामने लगी थी लव आजकल 2। पहले 10 मिनट में बच्चे को पीरो टेस्ट की पिटाई कम टॉर्चर लगने लगी। इस फिल्म के बारे में तो ये कहते हैं कि राइटरों से भी जब स्क्रिप्ट मांगी गई ना तो उन्होंने भी कह दिया हम कागज नहीं दिखाएंगे। फिर मार्च में लग गया जनता कर्फ्यू, बच्चों को लगा वाह इस दफे समर वेकेशन जल्दी चालू हो गए। लेकिन वो ये भूल गए कि इस बारी तो छुट्टी अब्बू की भी है, जहाँ अब्बू के साथ एक हाफ डे निकालना भी मुश्किल होता है, वही इस साल तो 6 महीने से संडे ही चल रहा है। इस साल तो बेचारों को अपने प्री बोर्ड, बोर्ड क्या, यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट और कोरोना टेस्ट तक के रिजल्ट पापा के सामने चेक करने पड़े। ये तो खैर खुशनसीब बच्चे थे कि घर में थे, कोटा के बच्चे तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही फंसे रह गए। इससे पता चलता है कि IIT में सीट तो जीतू भैया दिलवा सकती, लेकिन बस में सीट सिर्फ सोनू सूद। इसके बाद अप्रैल इनका अच्छे से कटा, दिन में 8 घंटे पबजी खेला, 8 घंटे कैरी को पबजी खेलते हुए देखा, और बचे हुए 8 घंटे पापा से मार खाए पूरे दिन वेस्ट करने के लिए। लेकिन मई के महीने में बच्चों को मीडिया से पता चला कि उनका असली दुश्मन उनके पापा, पढ़ाई, प्यूबर्टी या प्रियंका का भाई नहीं बल्कि चाइना है। तो ये सब छोड़ के कैरी मिनाटी के नेतृत्व में लग गए टिकटॉक को बैन कराने में, और जिंदगी के बाकी गोल्स के बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला इन्होंने अचीव भी कर लिया। लेकिन इसके बाद JEE NEET एग्जाम की खबर आई और बेचारों की खुशी ऐसा गायब हो गई जैसे पिछले कुछ दिनों में मुंबई से पेडलर और इनिस्टा से भाऊ। बेचारों को पट्टे से हेडशॉट तो तब लगा जब उन्हें पता चला कि जिस पबजी पे वो माइक ऑन करके CKM के भी चिल्ला रही थे ना, उसकी बॉस कंपनी कम्बगत चाइनीज ही है। वैसे आप अगर पेरेंट्स हो तो प्लीज पबजी बैन पे खुशी मत मनाओ, जब से बैन हुआ है ना बच्चों ने रोटी सब्जी और नए लैपटॉप के साथ साथ अब नौकरी भी मांगना शुरू कर दिया है। जब तक पबजी था ना अफरीदी का 80% ध्यान फोन में ही रहता था, 3 दिन पुराने चावल के पराठे भी चुपचाप खा लेता था, लेकिन अब तो मटन बना के भी पूछो हाउ द रोगन जोश तो जवाब लो ही आता है। सरकार से उम्मीद रख के भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि देश की GDP तो ऐसे गिरी हुई है जैसे बाथरूम में मेरी सास, बिना कलेश की उठेगी ही नहीं। अब तो इन्हें बिजी रखने का बस एक ही तरीका है कि इन्हें ट्विटर अकाउंट बना के दे दो, दिन भर में 7 से 8 चीजों पे ऑफेंस लेंगे, रात को थकार के सो जाएंगे। हमारी ननद ने तो अभी परसों 7 सहेलियों के साथ मिलकर तनिष्क को बॉयकॉट किया है। ऐ सही किया बिल्कुल, रीमिक्स इतना खराब करता है ना वो, उसका तो मसक्कली गाना सुन के ना मेरे भी तोते उड़ गए थे। नौकरी लगे ना लगे भूख तो सबको ही लगती है। आपसे मिलूंगी अब मैं अगले हफ्ते, अभी जा रही हूँ अपनी अनपेड जॉब करने, बेरोजगारों के लिए खाना बनाना है। नहीं क्या अभी तक तू जा रही हूँ, और तुम भी उठ जाओ, कब से पड़े पड़े पादी रही हो। और हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। मेरा प्रमोशन हो गया पर मैं भूल जाती हूँ, आदत जा ही नहीं रही है, पर कोई नहीं, शेयर का ऑप्शन तो यहाँ पे भी है, कर देना शेयर और मुझे स्टोरियों में टैग भी करना, ठीक है। चल अब निकलो निकलो निकलो, निकलो।